देखो गाइस, बकरी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखो धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, कितनी अच्छी लगती है। पीछे बगिया है ना, तो इसलिए मेरा ये वाला खेत ना, मेरा बगिया वाला खेत के नाम से जाना जाता है गाइस। गाइस तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग देख रहे हैं निहार का यादव ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइस, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो सुबह हो चुकी है, नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। तो गाइस आज सुबह सुबह ना 9:30 बज चुके हैं, 10 बजने वाले हैं। तो गाइस आज सुबह चलते हैं, क्योंकि आज खेत पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज गांव वाले खेत में ना पानी लगा हुआ है, क्योंकि इसमें धान लगेंगे ना, तो इस वजह से। आज नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर उसके बाद सीधा चलते हैं गांव। आज तो हमें नाश्ता लाए थे सुबह सुबह, तो चलो पहले गाय हम नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भटूरे हैं, खस्ता है, और छोले की सब्जी है, प्याज और अचार। ओके गाइज, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम काली घटाएं छाई हुई हैं। और मम्मी के पौधा गए आज, ये काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो आज लखनऊ में काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा वाली, और हमारे यहाँ भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज गर्मी भी बहुत थी, इस वजह से। ये देखो यार, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही, तो इस वजह से अभी बैठे हुए हैं, थोड़ी बारिश बंद हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो अभी सोनू तो है नहीं, सोनू कहीं बाहर चला गया है, काम से निकल गया है। तो गाइस आज अकेले ही चलते हैं। तो चलो अब आपको सीधा गाँव पहुँच के सीधा वहीं मिलेंगे चल के, फिर आप लोगों को दिखाएंगे चल के गाँव वाला खेत। ओके 2000 years later. गाइस तो गांव पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं। ये देखो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, वहाँ स्कूटी हमारी वहाँ पे खड़ी करके आए उस सड़क पे वहाँ पे। गाइस लोग कह रहे हैं बारिश हो रही, बारिश हो रही, हमारी समझ में कहाँ बारिश हो रही, यहाँ तो बहुत सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ तो खेतों में पानी ही नहीं है, हमारे धान नहीं लग पा रहे हैं गाँव वाले खेत में। उस वाले खेत में तो लग गए, ये जो गाँव है इस वाले खेत में धान ही नहीं लग पा रहे, क्योंकि खेत में पानी नहीं है, पानी नहीं होगा तो धान कहाँ से लगेंगे। देखो गाइस 2 बार भर चुके हैं, 2 बार खेत ने पानी सूख लिया। हाँ गाँव में बारिश नहीं हो रही है, और ये जैकेट हम घर से पहन के आए थे, क्योंकि घर से जब निकले तब वहाँ बारिश हो रही थी, और यहाँ पहुँचे यहाँ तो धूप निकल रही है एकदम। यही वाला खेत रह गया, बाकी सारे खेत लग गए। चलो गाइस ऊपर दिखाते चल के, यहाँ पे तो पानी है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। ये देखो कैसे सूखे पड़े हुए हैं खेत। गाइस यहाँ पे बकरी चल रही है, देख रहे क्या बढ़िया मौसम लग रहा है, एकदम बढ़िया यहाँ पे बकरी चल रही है। ये देखो चारों तरफ ये भी खेत अभी खाली पड़ा हुआ है, अभी लगता है इसमें अभी कुछ है नहीं। गाँव में अच्छा तो लगता है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत लगती है इस टाइम पर। देखो भैंस बकरी गाय सब चल रहे है, बगला भी चल रहे। देखो ट्रैक्टर है, को स्कूटी और हटाने पड़े है, कहाँ लेके जाए अब। चलो चल रहे भाई स्कूटी। हाँ यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है भाई यार, इतनी तेज धूप निकली हुई है। ये वहाँ चल के छाई में बैठते चल के यहाँ दिखा दी, पीछे गाय भैंस चल रहे जानवर। ट्रैक्टर से चारों तरफ जुताई हो रही है, हमारे खेत में पानी लग रहा है, क्योंकि ये वाला खेत लेट हो गया, क्योंकि उस वाले खेत में पानी लगता, उस वाले खेत में धान लगते रहे ना, इसलिए देख रहे हैं आज भर जा रहा है तो कल लग जाएगा, नहीं भर रहा है तो फिर देखते हैं क्या किया जाए इसका। अरे अरे ये खेत भर रहा है, पता नहीं कब तक भर पाएगा, इतनी धीरे धीरे पानी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा बहुत लग रहा है, गर्मी बहुत लग रही है, यहाँ मौसम हो रहा है, बारिश हो जाए तो और काम आसान हो जाए, जल्दी से हो जाए। और पीछे देखो वहाँ पे खेत है, खेत में भी पानी लगा हुआ है, यहाँ पे इतने अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, और काफ़ी घने घने पेड़ लगे हुए हैं, घास और है, पता नहीं कहाँ सांप बैठा हो निकल आए भाई साहब, जितने को वीडियो नहीं बनाए उतने का सांप को काट ले मर जाए हम। यहाँ तो बैठे गुजारा नहीं हो रहा, बहुत गर्मी लग रही है। गाइस जिस दिन हम आते हैं खेत पे उस दिन बहुत धूप निकलती है, वैसे धूप नहीं निकलती है, अभी मौसम इतना अच्छा हुआ था। लेकिन पहुँच रहे हैं भैया घर पे, क्योंकि यहाँ पे तो धूप निकल आई है, और हमारा काम भी नहीं है अभी कुछ, यहाँ पे जब खेत भर जाएगा उसके बाद ही काम रहेगा हमारा, तब तक उस वाले खेत से पौध उखड़वाएंगे चल के लेबर पकड़, क्योंकि यहाँ समर अमर नहीं है ना, बम्बा का पानी चलता है और सबके हफ्ते चलते हैं कि भाई बुधवार को तुम लगाओगे, गुरुवार को हम लगाएंगे, तो ऐसे करके, इसलिए और सब फसल लगा रहे इस टाइम, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। आधे में धूप निकली है, आधे में छाई है,
यहाँ धूप है उधर छाई है, खेत में स्कूटी खड़ी है और लोग खेत में क्या सड़क से भी निकल पा रहे हैं बरसात की वजह से, और मेरी तो खेत में ही स्कूटी खड़ी है ये देखो। तो चलो गाइस घर चलते हैं क्योंकि रास्ते में तो वीडियो नहीं बनाएंगे, तो स्कूटी लेके चलते हैं घर। ये जैकेट लेके आए थे क्योंकि वहाँ घर से निकले थे तो बारिश हो रही थी, और यहाँ पे आए गांव में जैसे ही एंटर किए तो गांव में तो बारिश हो नहीं रही थी, सीट खुल गई गाइस। और ये खोल के इसमें ये अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाबी खोल गई। चलो गाइस पहुँच के मिलेंगे अब हम, ठीक है ओके। A few moments later. गाइस तो इसमें जा रहा घी, तो ये सिमई के लिए आटा लगाया जा रहा है, ये देखो मैदा का आटा, मतलब मैदा लगाई जा रही है वो सिमई बनाने के लिए, क्योंकि सिमई बनाएंगे घर पे थोड़े भगवान जी के लिए, वैसे तो मूल की ही बनाई जाती है। भाई देख रहे हैं हम तो कितना काम करवाते हैं ये घर वाले, अभी हम हाथ से मतलब खेत से लौट के आए गांव से, और यहाँ ये हम पे सिमई बनवा रहे हैं। ये चल रही है ये, तो ये हमारी अम्मा के हाथों की है क्योंकि बाबा हमारे फौज में थे तो अम्मा के हाथों में हर चीज रहती थी, पट्ट से बजारे चली जाती थी। अरे बातन के चक्कर में झूका हो रहा गाइस ब्लॉग बनाते बनाने के चक्कर में ये देखो यहाँ क्या हुआ, भोले बाबा की शिवलिंग बनी जा रही है। किंची जा रही है, इन्हें बस में किया जा रहा है। ये सही से चले एकदम लाइन से, चलो आ जाओ बस जो तो जटा हो गए जो केदारनाथ पंडित जी नहीं बैठे उनके जटा धार ही आदि। ये नाम के लिए बनाई जा रही क्योंकि घर के बना के खाएंगे, देवी देवता शुद्ध खाते हैं, बाजार का नहीं खाते हैं। भगवान ये बढ़ चुकी है बहुत तेज लगी है भूख, तो अब खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और ब्लॉग को नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।